हेलो फ्रेंड्स, मैं बानी जी आप लोगों के लिए ऐसा नुस्खा लाई हूँ जो स्पेशली जुओ और लीखो के लिए है। जुए और लीखे किसी को भी कोई भी उम्र में हो जाती है। जुओ से सर में जख्म और खुजली होने लगती है। इससे हमारे बाल में डैंड्रफ भी हो जाते हैं, जिससे हमारे बाल कभी झड़ते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन के साथ साथ कलियाँ। लहसुन इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लहसुन की जो गंध होती है यानी स्मेल, इससे जुओ को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो हमें इस लहसुन की कलियों को छिल कर इन्हें पीस देना होगा। तो पेस्ट तैयार हो जाने के बाद हमें इस पेस्ट को, पेस्ट का आधा चम्मच इस बाउल में लेना होगा। और फिर इसके बाद हमें आधा नींबू, हम नींबू इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नींबू जुओं के अंडों को जड़ से ख़त्म करता है, तो हमें ये आधा नींबू इस पेस्ट में डालना होगा। तो ये पेस्ट तैयार हो जाने के बाद दोस्तों आपको इसे अपने सर पे लगाना है। यदि अगर आप बाहर से आए हो तो सबसे पहले आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए, या आपके सर पे तेल लगा हो तो आप शैम्पू कर लीजिए। उसके बाद आपको ये पेस्ट अपने स्कैल्प में अच्छी तरीके से मसाज करना होगा 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर 2 घंटे लगाए रखें। 2 घंटे पेस्ट के बाद आपको लेना होगा गर्म पानी। ये गर्म पानी आप इतना लें जितना आप अपने सर पर लगा सके। ये गर्म पानी से आप अपना सर धो लें। पेस्ट के निकलते ही आपको जुए और लीखे भी निकलती हुई दिखेगी। सो दोस्तों, इसके बाद जो हमें चाहिए होगा वो है नारियल का तेल। ये नारियल के तेल आप अपने सर पर 5 से 10 मिनट तक चम्पी यानी मसाज करें। उसके बाद इसे रहने दीजिए। अगर ये रेमेडी आप रात में यूज़ करते हो तो बेटर है। ये रेमेडी जो पेस्ट है उसे 2 घंटे के बाद नारियल का तेल आप रात भर लगाकर सोए और फिर दिन में उठकर इसे वॉश कर लीजिए। आज के लिए बस इतनी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको फिर से मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।